क्या नीतीश एक बार फिर दोस्त बदलने वाले हैं? क्या बिहार में सत्ता के साथी चेंज करने वाले हैं, या वो इंडिया अलायंस से नाता तोड़ने वाले हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं पटना में राबड़ी देवी के घर हुई मकर संक्रांति की दावत के बाद। इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। नीतीश ने अपनी सियासी हसरतों को लेकर अपनी जुबान से भले ही कभी कुछ ना कहा हो, लेकिन सबको पता है कि वो इंडिया अलायंस में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे। जेडीयू के कई नेता नीतीश को संयोजक बनाने की मांग खुलकर सामने रख चुके थे, लेकिन ये बात भी सामने आ चुकी है कि गठबंधन की पांचवी बैठक में ऐन वक्त पर बात बिगड़ गई। बताया जा रहा कि नीतीश को ये बात पसंद नहीं आई। अब जेडीयू के नेता सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा रहे, लेकिन कांग्रेस को लेकर आरजेडी नरम दिखाई दे रही। इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। महागठबंधन इंटैक्ट है और महागठबंधन के नेता लोग आपस में मिल बैठ करके सब चीज तय कर लेंगे। आप लोग सब चीज देखते रहिए, सब समय पर आप लोग को बताया जाएगा। बंटवारा भी तो नहीं हुआ, सब हो जाएगा समय पर। समय नीतीश जी को क्या पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए इंडिया गठबंधन का? देखिए आप लोग देखिए, समय पर सारा चीज बता दिया जाएगा और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो लोग आपको बताएंगे। कांग्रेस के लिए आरजेडी का ये सॉफ्ट अप्रोच बताते हैं कि जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा। सवाल ये है कि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती पर नीतीश की तरफ से जिस बड़े ऐलान की बात कही जा रही वो क्या होगा? क्या नीतीश साथी बदलने वाले हैं? उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किसी भी तरीके से अपनी गरिमा को, अपने पार्टी को और अपने पद को बचा के रखें जब तक कि वो अंतिम संन्यास राजनीति से लेने का जो है डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, अकेले भी जा सकते हैं, आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इसके बारे में सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि नीतीश ने जब दोस्त बदला है तब उसमें दस्तरखान ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। 12 जून 2010 को नीतीश ने पीएम मोदी को डिनर का न्योता दिया था, लेकिन ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया। यहीं से बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़ गए और नीतीश ने 16 जून 2013 को एनडीए से नाता तोड़ लिया। जून 2017 में नीतीश कुमार लालू यादव की इफ्तार पार्टी में गए थे और जुलाई में लालू से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। इस बार बिहार की सियासी हवा तेजी से बदल रही है। दिल्ली में नीतीश की बात बनी नहीं है और कहा जा रहा कि उन पर तेजस्वी के लिए सीएम पोस्ट छोड़ने का प्रेशर भी बढ़ रहा। तो क्या इस बार राबड़ी आवास पर हुई दावत भी कोई नया गुल खिलाने वाली है?